लेकिन इतना अच्छा गया था ना, और लास्ट में देखो यहाँ बर्था बना दिया पूरा बंदे ने इस पूरे दिन का। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, सुबह के बजे 7:30 और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अटल टनल सिसु के लिए, क्योंकि अटल टनल सिसु पिछले कल ही ओपन हो गया है, तो वहाँ पे बहुत रश रहेगा आज। तो ऐसे भी होली का रश है यहाँ पे, तो आज हम निकल रहे हैं बहुत ही जल्दी सुबह। सुबह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा निकलते हैं, क्योंकि अभी हमने जाना रंगड़ी और रंगड़ी से निकलना ऊपर को। तो धूप देखो कैसी लग रही है आज। वाइट ट्रैफिक देखो, सुबह सुबह ट्रैफिक देखो यहाँ पे। पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में तो भाई बर्फ खत्म ही हो गई है। अब यहाँ देखो नीचे बिल्कुल खत्म है, और ये बस काली काली बर्फ बची है यहाँ पे। तो अब यहाँ रुक के तो फायदा नहीं है, बस यहाँ से निकलते हैं अब सिसु के लिए। तो सिसु दिखाते हैं आपको कितनी बर्फ है वहाँ पे, क्योंकि सिसु खुला है पिछले कल ही सब गाड़ियों के लिए। इससे पहले 4x4 ही गाड़ियाँ जाती थी ओनली, और पिछले कल से खुला सब गाड़ियों के लिए, तो आज हम भी जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे, और यहाँ पे बर्फ़ तो भाई मतलब धुंधी से जब ऊपर को निकले हमें तो बहुत बर्फ़ मिली हमारे को। अब यहाँ भी अभी भी बहुत है, सड़क के साथ में ये बर्फ़ लगती हुई, और ये है टनल कुछ अंदर से ऐसी दिखती है। और अटल मतलब टनल के अंदर ना पूरी टनल में लाइटें ही लाइटें लगी है, तो लाइट गाड़ी की लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है यहाँ पे। और ये है सिसु का व्यू भाई, अटल टनल क्रॉस करने के बाद नॉर्थ पोर्टल का जो व्यू है वो है ये। और सिसु की साइड के रास्ते में तो भाई इस टाइम इतनी बर्फ़ है ना, इतनी बर्फ़ है, और दोनों साइड ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में चल रहे हम। पहुंच चुके हैं सिसु, और सिसु में भाई बर्फ़ इतनी ज़्यादा है ना, बहुत स्नो है यहाँ पे अभी। और अभी दिखाऊंगा मैं, अभी पहले तो चलते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, रात को भी नहीं खाया ढंग से। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको सिसु लेक वगैरह और वाटरफॉल वगैरह सब जम चुके हैं इस टाइम पर भी। तो अभी दिखाता हूँ मैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको। खाना पीना हो गया है अभी, राजमा चावल थे, कढ़ी, और ये देखो अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको सिसु वाटरफॉल। वाटरफॉल तो है ही नहीं, जम गया है, बिल्कुल ही जम गया है वाटरफॉल तो। बट यहाँ पे देखो लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से जिप लाइन करके परे भी जा सकते हैं। और ये वाला तो बंजिंग, क्या बोलते हैं, बंजिंग जंपिंग, ये तो मैंने भी किया था भाई, ये तो बहुत ख़तरनाक होता है। बट जिप लाइन ईजी रहता है, जिप लाइन से यहाँ से पार भी जा सकते हैं हम। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये जिप लाइन है, यहाँ से जिप लाइन करके और वहाँ से जा रहे हैं देखो। और वो रहा सिसु वाटरफॉल वहाँ पे, और वो तो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया है इस टाइम पे, देखो उसमें तो पानी ही नहीं, अभी जम गया है वो पूरा ही। और ये है रिवर, चंद्रा रिवर इसका नाम है यहाँ पे, चंद्रा। ये देखो ये रिवर है यहाँ पे, जो रिवर आती है ना ये आती है चंद्रताल, जो लेक है ना चंद्रताल लेक से आ रही है ये, और ये जाती है पाकिस्तान आगे। एक यहाँ पे एक नदी और इस साइड को आती है, उसका नाम है भागा, तो वहाँ से आगे चंद्रा भागा बन जाती है। तो ये था वाटरफॉल यहाँ पे सिसु वाटरफॉल जो है, और अब जा रहे हैं हम जो यहाँ पे लेक है, सिसु लेक है। सिसु लेक भी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है अभी भी, अभी देखो मार्च ख़त्म होने को आ गया, इतनी गर्मी हो गई है, बट तब भी लेक बिल्कुल फ्रीज हो गई है अभी भी। तो अभी लेक दिखाते हैं आपको जाके, तो अभी चलते हैं लेक की साइड। यहाँ पे एटीवी बाइक, जो एटीवी राइड करते हैं वो एटीवी बाइक है ये चलते हैं स्नो वगैरह में। ये देखो देखो जिस भी साइड को देखेंगे ना बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, देखो सारे चारों तरफ बर्फ है यहाँ देखो। और हो रही लेक उस साइड को, वहाँ जा रहे हैं हम लेक के पास, तो लेक देखते हैं पहले। लेक तो बिल्कुल ही फ्रीज है वैसे तो, तभी चलो एक बार देखते हैं नज़दीक जाके। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे भी क्रेजी लोग होते हैं, नंगे हो गए, कपड़े निकाल दिए हैं वहाँ पे देखो वाला बर्फ में। तो गाइस ये है लेक यहाँ पे सिसु लेक, और ये देखो बिल्कुल ही फ्रीज हो चुकी है अभी भी, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो रही है अब।
और वहाँ तो बीच में तो भाई बिल्कुल फ्रीज है, देखो पर्रे तक और ये वहाँ तक पीछे तक पूरी इधर से, ये देखो इस साइड को। तो ये था सिसु और अब जा रहे हम गाड़ी के पास और उसके बाद निकलेंगे हम अटल टनल के लिए। तो अटल टनल के पास भी दिखाएंगे आपको कितनी स्नो है वहाँ पे। अटल टनल के पास भी बहुत स्नो है, बट आती बार हम रुके नहीं वहाँ पे क्योंकि हम निकले सीधे यहाँ सिसु के लिए। हमने सोचा आगे ट्रैफिक होगा बट यहाँ पे बहुत कम है ट्रैफिक, उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। सिसु विलेज, ये पूरा सिसु विलेज है और वहाँ पे टेम्पल भी है जो यहाँ के राजा को गेपन जी है, तो राजा गेपन का मंदिर भी है यहीं पे। ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है हमारे को बट कैमरे में तो नहीं दिख पा रहा होगा ये। सो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं अटल टनल के लिए, अब अटल टनल के पास रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद निकलेंगे सीधा मनाली के लिए। आती बार तो हमारे को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला बट जाती बार तो अब ट्रैफिक में ही लग रहे हम तब से लेके। और अभी हम पहुँच गए हैं अटल टनल में और अटल टनल में तो भाई बर्फ देखो यहाँ पे पूरा, इस टाइम पे ये पहाड़ सारा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा ही पहाड़ है यहाँ देखो। और इस साइड को ये रहा आगे को, ये है अटल ब्रिज जो इस रोड को कनेक्ट करता है पुराने वाले रोड के साथ और टनल के साथ। अभी पहुँच चुके हम मनाली मार्केट और अब मैं जा रहा हूँ ओल्ड मनाली क्योंकि थकान सी हो रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट और उसके बाद देखते हैं आगे का। अब तो हो गया है 5:30 तो हो गया है अभी, तो अब अगर अभी सोऊंगा तो फिर तो मैं उठूंगा नहीं, तो अभी सोना तो है नहीं, या तो इधर मॉल रोड साइड लगाएंगे एक चक्कर, देखते हैं क्या उनका कॉल करते हैं किसी को। अभी मैं पहुँच चुका हूँ ओल्ड मनाली और अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट क्योंकि थकान सी हो रही है, तो फिर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और उसके बाद देखते हैं कैफे वगैरह में जाते हैं ऊपर। तो रोनी भाई वगैरह उसे भी बहुत दिन हो गए मिलके, तो उनसे मिलते हैं आज। सीजन वाली वाइब आ गई अभी, देखो ट्रैफिक रात के 9 बजे देखो ओल्ड मनाली से ट्रैफिक कैसा लग रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक लगा है यहाँ, पता नहीं गाड़ियाँ गुड़ियाँ कर दी होनी साइड में खड़ी शायद से, तो उस चीज़ यहाँ देखो वाला कैसा ट्रैफिक लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे मई जून लग गया है। जहाज का पूरा दिन इतना बढ़िया गया था ना, पूरा दिन इतना अच्छा गया था ना, और लास्ट में देखो यहाँ बर्थ बना दिया पूरा बंदे ने इस पूरे दिन का। ये देखो पूरी गाड़ी बजा दी, यहाँ देखो पेंट कैसे उखड़ रहा है इसका, ये देखो पूरी खिड़की कर दी है डैमेज मेरी, यहाँ देखो। आज का पूरा दिन इतना अच्छा गया था ना, बढ़िया मस्त गया था अभी तक, बहुत मस्त था। अभी यहाँ से देखो पता नहीं ग्रह का क्यों निकला मैं यहाँ से नीचे को, और नीचे टेम्पो वाले ने गाड़ी बजा दी है, इतना मूड खराब हो गया ना कसम। शाम के टाइम अब देखो लास्ट यहाँ मैं बैठा था, फालतू की आ गई मेरे को कि यहाँ से नीचे मार्केट चल रहा, और यहाँ से मार्केट निकल गया नीचे गाड़ी वाले ने जाते ही ठोक दिया। अब कल का दिन भी वेस्ट हो जाएगा, परसों का भी, 2 दिन लग भी जाएंगे शायद से, और बंदे के पास पैसे ही नहीं है। अब सुबह को मंगाएगा वो पैसे, तब देगा वो पैसे, अब पता नहीं क्या होगा, मतलब पूरी टेंशन ही टेंशन हो गया, क्या बताऊँ मैं। अब कहते हैं रेस्ट हो रही है सिर में दर्द मेरे। तो चलो अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और हाँ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।